हेलो गाइस, व्हाट्सएप माय नेम इज अमितन। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक ऐसे बैकपैक की अनबॉक्सिंग। टेक बैकपैक तो आप उसे नहीं बोल सकते, बट जो प्राइस में वो आता है ना बैकपैक, वो भाई बहुत ही जस्टिफाई करता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कि बैकपैक क्या है, फिर हम लोग देखेंगे अनबॉक्सिंग में क्या क्या मिलता है, हमें क्या क्या नहीं मिलता, एंड फिर कैसा ये बैकपैक मुझे लगा है अभी तक यूज़ करने में, वो सारी बातें करने वाले इस वीडियो में। तो पूरा एंड तक देखना है, नवी कभी चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि हम जल्दी से 10K पहुंच पाए। तो गाइज, ये है वो बैकपैक, एंड जब आप इसे अनबॉक्स करोगे ना तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलेगा। मैंने अमेजोन से मंगाया था एंड सिर्फ पैकेट था, एंड प्लास्टिक में रैप होके आया था। ठीक है, तो जब आप बैकपैक को देखोगे ना यार, मतलब मेरी पहली नज़र में मैंने जब इसे ऑनलाइन देखा तो ये बैकपैक मुझे ठीक ठाक लगा। डिज़ाइन ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। इसके दो कलर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, एक आपका ब्लू कलर मिलेगा आपको, जो ये ग्रे है वो चीज़ ब्लू रहेगा, एंड ये है चारकोल कलर। तो चारकोल कलर मुझे ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लासी लग रहा था। मुझे हमेशा क्लासी चीज़ें पसंद है, ठीक है, जो काफ़ी मिनिमल हो एंड काफ़ी अच्छा दिखे। तो इसमें देखते हैं कितने पॉकेट्स हैं, कितने चेन हमें मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा रहता है ना कि यार कितने चेन मिल जाते हैं, कितने पॉकेट्स मिल जाते हैं, हमें देख के बताना, ठीक है। एंड मेरा माइक्रोफोन ख़राब है अभी, तो प्लीज़ इससे काम चला लेना, मैं अपने आईफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑडियो, एंड दोनों बाद में सिंक कर लेंगे, तो थोड़ा काम चला लो अभी। एंड ऑडियो क्वालिटी वैसे ही ख़राब तो नहीं आ रही होगी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। रखते हैं थोड़ा सा आईफोन को हम साइड में। तो देखो, यहाँ पे मुझे पता नहीं ऑडियो कैसा आ रहा है, देखेंगे बाद में सुनने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चेन मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे पहला चेन जो है उसको जब आप खोलोगे, चेन की क्वालिटी ना मुझे उतनी मतलब एवरेज है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल अंदर में बहुत शाइनी सा ये यूज़ किया गया है, मैं आपको क्लोजली दिखा दूंगा बी रोल के जरिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे, पहला पॉकेट है, यहाँ पे डायरी रख सकते हो, छोटा डायरी, या फिर यहाँ पे कुछ रख सकते हो स्टेशनरी का सामान, या यहाँ पे पेन रखने का एक जगह दिया हुआ है, पेन रख सकते हो या फिर कुछ भी चीज़ें, ठीक है, ज़्यादातर लोग पेन ही रखेंगे ये चीज़ें। बाहर की मटेरियल की बात करें ना, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको मटेरियल मिल जाता है, और यहाँ पे प्यू लेदर का थोड़ा सा फिनिशिंग दी हुई है ताकि ये थोड़ा लेदर टाइप का फील आए आपको। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा ये ऐसा करके पैडेड मटेरियल मिल जाता है, पैडिंग उतनी अच्छी भी नहीं है बट पैडिंग ठीक ठाक है, ऐसा नहीं मतलब एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत अच्छी पैडिंग मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये सिर्फ 500 का 500 के अंदर ही आ जाता है, 450 रुपये का मिलता है ये बैकपैक आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेन हो गया, आपको एक चेन मिल जाता है। एंड अगर आप देखोगे ना, मतलब ये जो चेन है, चेन का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही मिनिमल है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा पॉकेट है, तो ये भी इसमें भी ठीक साथ आप सामान रख सकते हो, जैसे कि अगर कुछ वायर्स वगैरह रखने हो, पावर बैंक्स वगैरह सारे यहाँ पे अट जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन कंपार्टमेंट में, जो कि इसका वीसा कंपार्टमेंट होता है। एंड मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये बैग से आप ये मत सोचना कि ये वाटरप्रूफ होगा, आपको 500 के अंदर ये बैकपैक मिलता है तो ये मत सोचना कि वाटरप्रूफ होगा, ठीक है, एंड वाटरप्रूफ सच में नहीं है, बट काफ़ी आपके गियर्स को तो बचा ही लेगा पानी से, बट हाँ ये रेन कवर तो कोई इसमें एक्सपेक्ट ही मत करना इस प्राइस रेंज में रेन कवर, ठीक है। तो देखते हैं और क्या क्या कंपार्टमेंट मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मेन कंपार्टमेंट है इसमें लैपटॉप रखने का है, तो यहाँ पे आपको लैपटॉप रखने की जगह मिल जाती है, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ बी-रोल से, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप रख सकते हो आप आराम से, 14 इंचेस के तो लैपटॉप आराम से आ जाएंगे, 16 इंचेस का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ इसके अंदर में ना आपको यहाँ पे एक और चेन देखने को मिल जाता है, सीक्रेट पॉकेट को बोल सकते हैं, सीक्रेट भी नहीं बट हाँ यहाँ पे आपकी जो चीज़ें वो सेफ रहेंगी, ठीक है, क्योंकि मेन पॉकेट है तो आप लैपटॉप के चार्जर वगैरह या फिर केबल्स वगैरह रख सकते हो उसके अंदर। एंड आराम से आप अगर डे टू डे यूज़ करने के लिए ले रहे हो ये बैग, तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मैं अभी तक इसे यूज़ किया हूँ तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया हूँ, एक वीक यूज़ किया हूँ, ठीक है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। एंड अभी तक भी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, देख सकते हो नया ही है प्रॉपर। एंड इसका जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है, वेस्ले यहाँ पे लिखा हुआ है, वेस्ले की तरफ से आता है ये बैकपैक, ठीक है। एंड अगर आपको खरीदने में इंटरेस्ट है तो मैं अमेजोन का लिंक दूंगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो। एंड मेरा जो इसके पहले जो बैकपैक मैं यूज़ करता था वो था गियर का बैकपैक, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसके पहले जो मैं बैकपैक यूज़ करता था वो था गियर का बैकपैक, ये वाला, ठीक है, ये 1000 रुपीज़ के अराउंड आता है, 1200 के बीच में आता है, ठीक है। एंड ये वेस्ले का बैकपैक है, तो मैंने इसको छोड़ के इसको क्यों लिया, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो मेरा बैकपैक था ना, ये मैं मेनली अपने कैमरा गियर्स के लिए यूज़ करता हूँ, कैमरा गियर्स इसमें रहते हैं, मैं कभी ट्रैवल करता हूँ तब इसको यूज़ करता हूँ, बट डेली कॉलेज जाने के लिए ना, ऐसे डेली कॉलेज जाना रहता है मुझे, तो डेली कॉलेज जाने के लिए ये वाला जो बैकपैक है ये मुझे सही लगता है, ठीक है, क्योंकि छोटा है यार, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। मैं आपको पहन के भी दिखा देता हूँ, तब आपको एक ठीक ठाक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको पहन के दिखाऊं तो देखो यहाँ पे आपको कैसा पता चल रहा होगा कि कैसा लग रहा है ये बैकपैक, ठीक है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही फंगी डिज़ाइन मिल रहा है, जैसा मुझे पसंद है पर्सनली। आपका चॉइस कुछ अलग होगा, मेरा चॉइस कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉपर एकदम बहुत स्लीक सा बैकपैक है ना, एंड आई लव दिस डिज़ाइन सच्ची में।
तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।